उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने ये कहा है कि हम अपने मदरसों में औरंगजेब नहीं बल्कि भगवान राम के बारे में पढ़ाएंगे और हम लोग अपने बच्चों को औरंगजेब नहीं बल्कि राम बनाना चाहते हैं। देखा जाए तो इस बयान पर अब सियासी बवाल भी शुरू हो चुका है। तो आज सियासी चौक में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और इस वक्त मैं दारुल शफा के पास हूँ, जहाँ पर तमाम लोग इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं कि आखिर जिस तरीके से मदरसों को लेकर जब सवाल खड़ा किया जाता है और मदरसों की जब रूपरेखा बदलने की बात कही जाती है तो इसे कुछ लोग सही ठहराते हैं, तो वहीं ऐसे तमाम लोग होते हैं जिनका ये कहना है कि मदरसों में हस्तक्षेप किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तमाम लोग इस वक्त मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आपका नाम क्या है? आचार्य रविंद्र जोगी। रविंद्र जी, ये बताइए, अभी उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि वक्फ बोर्ड से संबंध रखने वाले जितने भी यहाँ के मदरसे हैं उन मदरसों में हम भगवान राम की जीवनी पढ़ाएंगे, पैगम्बर मोहम्मद के साथ साथ भगवान राम पढ़ाए जाएंगे, ना कि औरंगजेब। ये स्वागत योग्य बात कही है और ये होना भी चाहिए, पहले से हो जाना चाहिए था। ये तुष्टिकरण की नीति में मदरसों में सिर्फ एक तालीम दी गई और अगर शायद सारी तालीमें दी गई होती जो आज लागू हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, तो ये स्थिति जो आतंकवाद जो बढ़ा हुआ है, जो ये मुस्लिम को एक वो किया जाता है, क्यों आतंकवादी वही होते हैं और कोई नहीं पकड़ा जाता, इसलिए कि वो वहाँ पर सिर्फ आतंकवाद ही सिखाया जाता है, इसको बहुत पहले हो जाना चाहिए, बहुत स्वागत योग्य कार्य है। और जो हिंदुस्तान को अपना मानता है, जो हिंदुस्तान और सनातन और इस देश को अपना मानता है, वो इस बात को सही कह रहा है, सही को उनकी बात में कोई वो नहीं है। और वहाँ पर तालीम जो है मदरसे में हम ये भगवान राम के इतिहास को पढ़ाना चाहिए, हमारे और जो बहुत बहुत छत्रपति शिवाजी थे, गुरु गोविंद सिंह थे, इनके के इतिहास को ही भी पढ़ाना चाहिए, ना कि औरंगजेब के और बाबर के इतिहास को। हम लोगों को सिर्फ बाबर और औरंगजेब के आतंकवादियों के इतिहास को हम लोग पढ़ाया गया। कुछ समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था मदरसों को लेकर कि हम मदरसों के जो बच्चे वहाँ बच्चे पढ़ते हैं उनके एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर देना चाहते हैं। माना गया कि मदरसों में जो शिक्षा है उसके आधुनिकीकरण पर सरकार जोर दे रही है, हालांकि अब जिस जो बयान सामने आया है शादाब शम्स जो वहाँ के चेयरमैन हैं वक्फ बोर्ड के, आपको नहीं लगता कि जो कट्टर हैं, जो धार्मिक कट्टर हैं, कहीं ना कहीं उनकी उनके इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखते? धार्मिक कट्टर तो सभी लोग हैं। अभी भाई साहब ने बयान दिया, क्या बात किया कि औरंगजेब और वो बाबर आतंकी थे, वो भारत के इतिहास को आतंकी बता रहे हैं। इतिहास को खत्म कर देंगे आप? इतिहास को नहीं खत्म कर पाएंगे आप। वही मदरसों में शिक्षा इस्लाम की दी जाती है, आप भगवान को ऐड कर रहे हैं, इस्लाम को ठीक है, लेकिन आप गुरुकुल में इस्लाम को पढ़ाइए, क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं आप? ये दोहरी नीति कब तक चलेगी? ये हिंदुओं को तुष्टिकरण की राजनीति कब तक चलेगी? बात करें मुस्लिम तुष्टिकरण की, मुस्लिम सच्चा कमेटी ने बता दिया अगर तुष्टिकरण होता तो मुसलमान दलितों से बदतर नहीं होता इसी हिंदुस्तान में, ऊपर उठ गया था, समाज के बराबरी आ गया होता ना अगर तुष्टिकरण होता। तुष्टिकरण नहीं हुआ, मुसलमानों को दलितों के बदतर करने की ये जिम्मेदारी आज की सरकार की नहीं, 75 सालों की जितनी भी सरकारें हैं मुसलमानों को दलितों से बदतर हालत में पहुँचाने की यही लोग जिम्मेदार हैं। आप इतिहास को नहीं बदल सकते, औरंगजेब को नहीं बदल सकते, बाबर को नहीं बदल सकते, इसी इतिहास में अच्छा या बुरा इतिहास हो सकता है लेकिन इतिहास को आप मिटा नहीं सकते। इस देश का इतिहास है बाबर और औरंगजेब। दरसों में भगवान राम के बारे में पढ़ाया जा सकता है तो फिर जो गुरुकुल जो कि हिंदू शिक्षा पद्धति के केंद्र होते हैं वहाँ पर मुस्लिम्स और इस्लाम के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता? देखिए, आपने अभी देखा है कि पूरे देश में राममय हो रहा है और राममय चल रहा है, मैं ये भी चाहूँगा कि जितने भी मदरसे में पढ़ाया जा रहा है वो राम की कथा पढ़ाया जाए। जो पहले बाबर और आजम के समय में जो पढ़ाया जाता था वो पढ़ाया जाता था, लेकिन अब आज के समय में जो पूरे देश में राममय चल रहा है तो मैं सरकार से भी ये निवेदन करूँगा कि पूरे मदरसे में राम जी की कथा पढ़ाई जाए, सुनाई जाए। ये लोग कह रहे हैं हमारे सनातन को मिटाने के, बाबर सबसे पहले बाबर ने शुरू किया, हमारा भगवा धर्म था, हमारा सनातन था, मैं हिंदू कम्युनिटी, हम लोग सिर्फ हिंदुस्तान के ही उसमें थे, और जब उसके इस्लामिक आधार पे पाकिस्तान बट गया तो यहाँ पे किस हिसाब की हिंदुस्तान किस लिए बना था? क्या हिंदुस्तान इसलिए बना था कि सारे जितने जो हैं सब यहीं पर रहें? ये नहीं, कुछ नहीं, यहाँ सिर्फ हिंदुस्तान और सनातन की बात होनी चाहिए, सनातन की ही शिक्षा होनी चाहिए और जिसको पढ़ना हो पढ़ेगा और जिसको नहीं पढ़ना उसको देश को
सोचते जिसको देश की शिक्षा से, देश के सनातन से, देश के हिंदुओं से अगर वो है, वो देश छोड़कर चला जाए, अब कोई समस्या नहीं है, उसको देश छोड़कर जाने होगा। आज ना आज एक दिन है, हम आपको चैनल से बड़ी जिम्मेदारी से बता दे रहा हूँ, अगर उसको हिंदुस्तान में रहना तो हिंदुस्तान की ही सभ्यता को, हिंदुस्तान के ही सनातन को मारना पड़ेगा, और आतंकवाद यहाँ पे नहीं चलेगा जो आज तक का चला आ रहा था, इसका बतौर जवाब मिलेगा। उत्तराखंड सरकार अपने मदरसों में भगवान राम के बारे में पढ़ाने की तैयारी कर रही है, क्या सोचते हैं इसको लेकर? ये चेयरमैन तो कोई पद अच्छा होता है, मुझको लगता है ये चेयरमैन नहीं, कुर्सियां बीनने वाला चेयरमैन है, इसकी बुद्धि का इतना ही। और उससे भी पहले 2022 के इलेक्शन में मुख्यमंत्री योगी जी भी कह चुके हैं कि इतिहास में हम मुगलों के इतिहास को ख़त्म करेंगे, ठीक है, फिर कब लाल किला तोड़ेंगे, कब ताजमहल तोड़ेंगे, तब कब चार मीनार तोड़ेंगे, कब आगरे का लाल किला तोड़ेंगे, क्योंकि वहाँ से आपको सरकारी पैसा मिलता है, आपका रेवेन्यू बढ़ता है, आप सिर्फ जनता को बरगलाना चाहते हैं 2024 में, ना ये इतिहास बदलेंगे, ना ये कुछ बदलेंगे, सिर्फ ये चाहते हैं सत्ता पे काबिज रहें और देश को लूटते रहें। तो मैं सवाल करता हूँ, ये कब तोड़ेंगे वो अंग्रेजों और मुसलमानों की बनाई हुई इमारतें जिससे ये रेवेन्यू कमाते हैं? इतिहास तो बदलना चाहते हैं, मगर वहाँ से जहाँ से इनको रोकड़ा आता है, तो ये पहला बात नहीं है कि चेयरमैन ने किसी ने कहा, ये मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी 2022 में 5 राज्यों के इलेक्शन से पहले भी ये बात वो कह चुके हैं। कुछ और भी लोग हैं, क्या नाम है आपका? राम बहादुर गौतम एडवोकेट। राम बहादुर जी, उत्तराखंड सरकार मदरसों में अब भगवान राम की जीवनी और मतलब एक तरीके से भगवान राम के बारे में पढ़ाने की तैयारी कर रही है, क्या सोचते हैं अगर ऐसा होता है वहाँ पर? भाई देखिए, अगर मदरसे में लोग सहमत हैं पढ़ाना चाहिए, अगर नहीं सहमत हैं तो बात तो अलग विषय है। बोर्ड के चेयरमैन नहीं जो शादाब समस है वहाँ के, उन्होंने ये पहल की। अगर उन्होंने बात कही है तो जैसे हर विद्यालय में पढ़ाया जाता है वहाँ भी पढ़ाया जाए, अच्छी चीज़ें पढ़ाई जाए और अच्छी चीज़ों की जानकारी हो, सबको हो, अगर पढ़ाया जाएगा तो अच्छी ही रहेगी। हाँ, शिक्षाएँ तो कहीं से मिले लेकिन अच्छी शिक्षा जहाँ से मिले वहाँ से देना चाहिए। आपको लगता है कि भगवान राम के बारे में पढ़ाने से किसी को दिक्कत हो सकती है? देखिए, भगवान राम के पढ़ाने से जैसे धार्मिक चीज़ें हैं, मर्यादा, उनके मर्यादा पुरुषोत्तम रहे, मर्यादा के बारे में पढ़ाई जाए, लिखाई जाए। तो देखिए, यहाँ पर तमाम लोगों से हमने इस मुद्दे पर राय लेने की कोशिश की, लोगों की अपनी अपनी राय है, लेकिन इतना तय है कि आने वाले समय में जिस तरीके से भगवान राम को लेकर, चूंकि अगर हम पूरे देश की बात करें तो जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा हुई और तमाम संस्थाएं हैं जो भगवान राम के ऊपर कुछ ना कुछ करना चाहती हैं, हालांकि देखा जाए तो उत्तराखंड में सरकार और ख़ास तौर पर जो वक्फ बोर्ड है वो तैयारी कर रहा है वहाँ के मदरसों में भगवान राम के ऊपर शिक्षा देने की। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, ऐसे में अब लोगों का माइंडसेट भी बदल रहा है। उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने कहा है कि वो अब अपने मदरसों में भगवान श्री राम को पढ़ाएंगे। औरंगज़ेब की बात नहीं होगी, बात होगी भगवान श्री राम की, बात होगी उनके नबी की, उनके नबी के बारे में पढ़ाया जाएगा, भगवान श्री राम के बारे में पढ़ाया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने बहुत गंभीर बात यह कही कि भगवान श्री राम से हमारा DNA मिलता है, यानी कहीं ना कहीं इस बात को एक्सेप्टेंस मिल रही है। सालों से लोग कहते आ रहे हैं कि इस देश के रहने वालों का DNA एक है, लेकिन तमाम लोग ये बात भी कहते हैं कि उनका DNA एक नहीं है, वो मुस्लिम है, वो बाहरी लोग हैं। ऐसे में कानपुर के लोग हमारे साथ में उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर वो क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर। सर, ये बताइए, जिस तरीके का बयान आया है उत्तराखंड के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का, किस नज़रिए से देखते हैं आप इसे? नहीं, ये तो अंतरात्मा की आवाज़ पर उन्होंने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। हम लोग तो सदियों से यही बात कह रहे हैं कि सत्य सनातन धर्म तो केवल सनातन धर्म ही है, यही प्राचीन है, और इसी धर्म में ऐसी विशेषता है कि किसी भी धर्म की अच्छाइयों को ये अपने में आत्मसत कर लेता है। जितने भी लोग हैं जो आज कहते हैं ये बाकी सब पंथ हैं, ये अपने पूर्वजों के बारे में पता करें तो 2, 4, 5, 6, 7 पीढ़ी पीछे अगर कोई निकलेगा तो वो सनातनी ही निकलेगा, ये सारे के सारे हिंदू हैं। जिन लोगों ने औरंगजेब की तलवारों की नोक के आगे अपनी गर्दनों को नहीं कटाया और चूड़ीदार पैजामा पहन लिया, वही मुसलमान हो गए। औरंगजेब को अब नहीं पढ़ाया जाएगा, कह रहे थे अब वो अपने अपने मदरसों में औरंगजेब को नहीं पढ़ाएंगे, अब वो भगवान श्री राम को पढ़ाएंगे। हाँ, तो यही पढ़ाना ही चाहिए। ये जो लॉर्ड माकले की शिक्षा नीति आई थी, ये उनका कहना था कि अगर किसी समाज को, किसी सभ्यता को नष्ट करना है तो उसकी सांस्कृतिक विरासत को नष्ट करो, इसलिए हमको सही चीज़ें पढ़ाई नहीं गई। जो सिकंदर,
यहाँ से भागा उसको महान बता दिया गया। अकबर जो जिसका वजन दशांश भी नहीं था महाराणा प्रताप के कवच के और भाले के आगे, उसको महान बता दिया गया। तो अगर अब समय के साथ साथ, क्योंकि कलयुग में रामयुग आ गया है, अब सबकी बुद्धि अगर भगवान राम सही कर रहे हैं और हम लोग सही चीज़ें आने वाली पीढ़ियों को बताना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, तो इसका मैं दिल से स्वागत करता हूं। कि भगवान श्री राम को पढ़ाया जाए, औरंगज़ेब को ना पढ़ाया जाए? नहीं, श्री राम हमारे आदर्श हैं तो उनको पढ़ाना सही है। और बाकी जितने मुस्लिम हमारे यहाँ के जो विधायक हैं वो, उनका भी DNA देखा जाए तो वो हिंदू ही हैं। ये है बस। आप क्या कहना चाहते हैं, जिस तरीके से बदलाव देखने को मिल रहा है, अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बना और इसके बाद अब इस तरीके का बयान आया कि मदरसों में उत्तराखंड में भगवान श्री राम के बारे में पढ़ाया जाएगा, औरंगज़ेब की बातें नहीं होंगी, बात उनके नबी की होगी? बहुत ही अच्छी बात वहाँ के चेयरमैन साहब ने जो आपको कही है, उन्होंने एक तरीके से हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल नहीं पेश करी है। उन्होंने जो कहा कि नबी के बारे में और श्री राम के बारे में पढ़ाया जाएगा, इसलिए दोनों उनकी एक नबी उनकी आस्था के विषय हैं तो राम हमारी आस्था के विषय हैं, उन दोनों को उन्होंने जोड़ने का काम किया है। ठीक बात उन्होंने कही, अगर आज हमारा या उनका खून देखा जाएगा तो दोनों खून लाल ही निकलेगा, कोई खून में कोई अंतर नहीं है, इसलिए एक अच्छा उन्होंने मैसेज देने का काम किया है और ये स्वागत योग्य कदम है और हम लोगों को उसका स्वागत करना चाहिए। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि सभी भारतीयों का DNA यानी उनका DNA, उन्होंने अपनी बात की कि हमारा DNA भगवान श्री राम के DNA से मिलता है, क्या लगता है आपको? वो सही कहा है, DNA तो हर एक मुस्लिम का हर एक हिंदू का एक ही है, वो अलग से नहीं है, क्योंकि यहाँ जो कन्वर्ट हुए हैं वो सब हिंदू भाई हैं हमारे। लेकिन अब रही गई प्रश्न पढ़ाने की, तो कक्षा 2 में पहले भगवान श्री राम का प्रश्न पढ़ाया जाता था, भगवान राम 4 भाई थे, दशरथ की ये थे, तो अब वो तो प्रसंग गायब कर दिया गया है। अगर उनको कह रहे हैं पुनः पढ़ाने के लिए तो वो तो जो पढ़ा के लोग निकल गए, जिनको इन लोगों ने बीच में काट दिया था, बिल्कुल रामचंद्र जी को नकार दिया था, काल्पनिक बता दिया था, तो अगर वो फिर उसमें डाल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये स्वागत योग्य है। जब तक हमारे राम के बारे में हमको संस्कार नहीं दिए जाएंगे, पढ़ाए नहीं जाएंगे बच्चों को, तो वो क्या जानेंगे। ये बिल्कुल सही बात बोली है वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब ने कि अब हम लोग भगवान श्री राम जी के बारे में पढ़ाए जाएंगे। अगर ये इससे ये प्रतीत होता है कि उनके बीच में भी और हमारे बीच में किसी भी तरह की कोई दुश्मनी, कोई भेदभाव नहीं है, हम लोग आपस में सब भाईचारे के रूप में रहें और इसी तरह से हम लोग एक दूसरे का सम्मान, आदर सम्मान करें। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई ये कहा जाता है देश में, लेकिन ये दूरियाँ, और उसके बाद अब फिर से एक बार बात हो रही है कि DNA सबका एक है, सब एक जैसे हैं, भगवान श्री राम के बारे में मदरसों में भी पढ़ाया जाए। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा ये दूरियाँ हमारे ये राजनीतिक दलों ने बढ़ाई हैं, सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स अभी तक हुई है, कुछ नहीं हुआ है, इसीलिए हमारा सनातन धर्म पिछड़ा है। लेकिन जब से हमारे मोदी जी आए और योगी जी आए हैं, हमारे सनातन धर्म बिल्कुल बहुत आगे बढ़ रहा है, और जब से राम मंदिर की स्थापना हुई एक नया इतिहास सनातन धर्म के लिए लिखा जाने वाला है। रही बात ये शिक्षा की, ये बहुत ज़रूरी है कि सनातन धर्म, खास करके रामचंद्र जी जिन्होंने इतना बड़े बलिदान दिए, अपनी कुर्सी छोड़ करके वो वनवास दिया उन्होंने सिर्फ अपने पिता के आदर्श पर चलते हुए, और ये हमें औरंगजेब, शाहजहाँ, अकबर, इन सब के बारे में पढ़ने की ज़रूरत क्या है, हमें क्या करना, उनसे हमें कोई सीख नहीं मिलती है। तो धर्म केवल अगर कहा जाए तो केवल सनातन धर्म ही था, बाकी सब तो पंथ हैं जो सिर्फ इसी सनातन धर्म से निकले हुए हैं। जैसे कहा जाता है कि एक पिता है, उसके सारे बच्चों के जो ब्लड में होगा वो DNA केवल पिता ही का होगा, तो कहा जाए तो सनातन धर्म ही एक जो पिता के तौर पे है, और जो सारे पंथ हैं वो सब उसके बच्चे हैं। तो DNA अगर कहा जाए तो सिर्फ सनातन धर्म ही एक जो पुराने समय से चला आ रहा है वो केवल सनातन धर्म ही है। मुस्लिम बच्चे भी भगवान श्री राम के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, सीखेंगे, अपने नबी के बारे में भी जानेंगे, लेकिन अब औरंगज़ेब नहीं पढ़ाया जाएगा, क्या लगता है? नहीं, देखिए भारत का संविधान सभी को आज़ादी देता है अपने धर्म का पालन करने का, लेकिन दूसरे के धर्म का अनादर करने का अनुमति भी नहीं देता है, ये हमारे संविधान की अच्छाई है। तो औरंगज़ेब भी हमारे इतिहास का हिस्सा है, औरंगज़ेब को जानेंगे तभी आप शिवाजी जी को जान पाएंगे, शिवाजी को जानना है तो औरंगज़ेब को पढ़ना पड़ेगा, तब तो जानेंगे शिवाजी महान क्यों हैं। तो ये एक तरफा बात अच्छी बात नहीं है, भारत हमारा संप्रभुता वाला राष्ट्र है, हमारे यहाँ गलत नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, और जो इतिहास है जिसको तोड़ा मरोड़ा गया है तो उसको सही करके हमारे नए बच्चों को, नव युवकों को, और जो भी बच्चे आज पढ़ रहे हैं वो पढ़ें। देखिए उर्दू में भी रामायण बनी चकबस्त के नाम से,
और उसको लोगों ने पढ़ा। अभी मैंने टीवी पे एक मौलाना कोई चतुर्वेदी हैं, मैं उनके ज्ञान के बारे में देख करके बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। तो ऐसे लोग हमारे यहाँ हैं, ऐसे लोगों को आगे आना होगा और हम सब हिंदू मुसलमान को सबको एक साथ बैठ करके अपने राष्ट्र की समृद्धि के लिए सोचना होगा और इसी में हमारा विकास संभव है। हमारे खंड के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने ये बात कही है कि हमारा डीएनए एक है, हम भगवान श्री राम के वंशज हैं। देखिए, हर आदमी अपनी भूमि के कहीं ना कहीं वंशज से जुड़ा हुआ है, तो राम हमारे पूर्वज हैं, हमने ये अपने हमारे पूर्वज किताब में पढ़ा हुआ है, हमने गार्गी के बारे में पढ़ा हुआ है, हमने अगस्त मुनि के बारे में पढ़ा हुआ है और हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है। राम हमारे पूर्वज हैं, कृष्ण हमारे पूर्वज हैं और औरंगजेब हमारे पूर्वज नहीं हैं, ये भी आप समझिए। लेकिन हमारी जो ज़मीन जुड़ी हुई है वो हमारा डी है, हमारा हिंदुस्तानी डीएनए है। आप बताइए किस नज़रिए से देखते हैं इस फैसले को, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि मदरसों में भी भगवान श्री राम पढ़ाए जाएंगे, भगवान श्री राम के बारे में पढ़ाया जाएगा। जी देखिए, जैसे कि अभी तक काल्पनिक बता दिया गया था प्रभु श्री राम जी को, और अब ये मदरसे के चेयरमैन जी ने ये जो बात कही है उनके लिए मैं उनको स्वागत योग मानता हूँ और सारे प्रदेश के वक्फ बोर्ड को मैं यही कहना चाहूँगा कि इसी तरीके की नीति अपनाएं। ये गंगा जमुनी तहजीब का देश है, दोनों धर्म ऐसे ही मिल के चले तभी ये देश और आगे बढ़ेगा। बस तो कानपुर के लोगों का साफ तौर पर कहना यही है कि ये गंगा जमुनी तहजीब का देश है और यहाँ लोग तभी सुरक्षित रह सकते हैं जब गंगा जमुनी तहजीब का पालन किया जाए। वो चाहते हैं कि केवल उत्तराखंड के मदरसों में ही नहीं बल्कि देश के सभी मदरसों में भगवान श्री राम भी पढ़ाए जाएं और नबी के बारे में भी छात्रों को जानकारी दी जाए। वीर जनरल अमित सिंह के साथ श्याम तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर।